आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है अ बिटवीन नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66 इज दैट हमें बताना है कि नायलॉन 6 और नायलॉन 66 में क्या सिमिलरिटी होती है नायलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है यहां पर है अमाइड बॉन्ड और यहां पर होते हैं फाइव मिथाइलिन ग्रुप्स कैप्रोल्ट एक ऐसा साइक्लिक रिंग होता है जो कि रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन करके फॉर्म करता है नायलॉन सिक्स यहां पर आएगा सीएच टू होल फाइव और फिर है एनएच ये है नायलॉन सिक्स और नाइलॉन सिक्स के दो मोनोमर होते हैं फर्स्ट मोनोमर है एडिपिक एसिड दैट इज सी एच टू होल फोर सी ओ एच दिस इज एडिपिक एसिड और इसके साथ होता है सेकेंड मोनोमर हेगामिथाइलिन डायमीन ये दोनों कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन करते हैं और फॉर्म होता है यहाँ पर सीएच टू होल फोर यहाँ पे सी ओ और यहाँ पर आएगा एन एच सी एच टू होल सिक्स एन एच और यहाँ पर एन तो यहां पर एन नंबर में हमने एडपी कैसे लिया एन नंबर में एक्साम डायमिन लिया और एन नंबर में कैप्रोल्ट लिया तो हमें यहाँ पर नायलॉन सिक्स और नायलॉन सिक्स सिक्स मिल गया ऑप्शन हमें गिवन है दे आर आइसोमर्स तो आइजोमार्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है मोलिकुलर फॉर्मूला है नाइलॉन सिक्स का सी सिक्स एच टू फाइव टेन इलेवन एच इलेवन एक नाइट्रोजन आइटम है और एक ऑक्सीजन आइटम है और ये है इन एन नंबर तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नाइलॉन सिक्स इज दिस और नाइलॉन सिक्स सिक्स का देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन आइटम्स है यहाँ पर ट्वेल्व हाइड्रोजन आइटम्स है यहां पर टू फोर जै एट टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी टू नाइट्रोजन आइटम्स है यहां पर टू और ऑक्सीजन आइटम है यहां पर टू और ये है प्रेजेंट इन एन नंबर तो नायलॉन सिक्स सिक्स और नायलॉन सिक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है इसलिए ये दोनों आइजोमर्स नहीं है तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ऑप्शन बी है स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर आर सेम तो स्टार्टिंग मटेरियल इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट है इसका स्टार्टिंग मटेरियल है एडिपिक एसिड नायलॉन सिक्स का स्टार्टिंग मटेरियल है मटीरियल तो इन दोनों के स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट है इसलिए ये सिमिलैरिटी नहीं है इन दोनों के बीच में इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है ऑप्शन सी है दिस सम ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स इन देयर मोनोमर्स इज मोनोमिक्स तो इसका जो मोनोमर है इसके अंदर तो सिक्स कार्बन एटम्स है इसलिए नायलॉन के बाद लिखा जाता है सिक्स बट नायलॉन सिक्स सिक्स के जो मोनोमर्स है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है ऑल कार्बन आइटम सम ऑफ ऑल कार्बन आइटम्स क्या आएगा इसके अंदर सिक्स और इसके अंदर तो सिक्स है तो इसके पास है ट्वेल्व और नाइलॉन सिक्स के पास है 6, तो जो सम ऑफ ऑल दी कार्बन आइटम्स है इनके मोनोमर का वो दोनों का सिक्स नहीं आता है नायलॉन सिक्स का है सिक्स और नायलॉन सिक्स सिक्स का है ट्वेल्व इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है ऑप्शन डी है दे आर पॉलीमर्स तो ये दोनों ही पॉलीमर्स होते हैं यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है, पर हुआ है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन जिससे फॉर्म हुआ है नायलॉन सिक्स पॉलीमर और इनके बीच में क्या हुआ है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो ये दोनों ही क्या है पॉलीमर है एन नंबर में प्रेजेंट है ये रिपीटिंग यूनिट और एन नंबर में लार्ज नंबर में जब एक रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है किसी मॉलिक्यूल में तो वो होता है पॉलीमर तो ऑप्शन डी करेक्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन नाइलॉन सिक्स एंड सिक्स सिक्स दे आर पॉलीमर्स इसलिए ऑप्शन करेक्ट है थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप